ना आप मुझे इतना पसंद करेंगे। अगर मैं अपना ईमान बेच के हर काम करूं और मन से ना करूं और लगन से ना करूं और प्यार से ना करूं तो आप मुझे पसंद नहीं करें। आप लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं जब करती हूँ तो मन से करती हूँ, लगन से करती हूँ और ऐसा रोल करती हूँ जहाँ कोशिश करती हूँ जो आप लोगों ने पहले देखा ना हो, जिस रूप में मुझे आप लोगों ने पहले देखा ना हो। हर बार मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे आपको मजा आए। अब तो फिर भी थोड़ी आदत सी पड़ गई है और थोड़ा अपने आप को संभाला, लेकिन बेइज्जती के बाद मैं एक्चुअली डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो एक दौर था जो सब सब कहने लगे अरे अब तो ये लड़की ऊपर जाएगी, और ये लड़की ऊपर जाने की जगह नीचे आई क्योंकि इतनी स्टीरियोटाइपिंग हो गई पेस्ट्री के बाद। इतने उसी टाइप के रोल और सब उतने अच्छे रोल नहीं थे लेकिन उसी टाइप के रोल, और मैं मना करती गई करती गई करती गई इस उम्मीद में कि आएगा अब आएगा, नहीं एक ऐसा अलग आएगा अलग आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ज्यादा वो हो गया कि मैं काम नहीं कर पाई और मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं बहुत लॉस्ट हो गई और मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैं इतनी नाराज भी हो गई कि मैंने बोला यार मैं वही लड़की हूँ जिसने कोशिश एक आशा किया, मैं वही लड़की हूँ जिसने साथिया किया है, मैं वही लड़की हूँ जिसने वैसा भी होता है किया, मैं वही लड़की हूँ जिसने पेस्ट्री किया है, और ये सब अलग लड़कियां थी। आप क्यों मुझे हर बार स्टीरियोटाइप? नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है एक्ट्रेस संध्या मृदुल। संध्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं ताज के लिए। थैंक यू सो मच। आपको मैं बताऊं, आप मेरी बहुत फेवरेट हैं अच्छा थैंक और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। जब मैं ज्यादा फिल्मों में नहीं देखता हूँ, बड़ी फिल्मों में नहीं देखता हूँ, तो इतना आप क्यों सताती हैं आपको? यू। ये खुद बताया वो इंसान है वो किसी और सताएगा। अब मुझे जब तक ऐसा काम नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूंगी? अगर मैं और बुरा काम करूंगी तो आप मुझे जो बोला आपने वो बोलेंगे नहीं, मैं आपकी फेवरेट नहीं रहूंगी फिर, ना आप मुझे इतना पसंद करेंगे। अगर मैं अपना ईमान बेच के हर काम करूं और मन से ना करूं और लगन से ना करूं और प्यार से ना करूं तो आप मुझे पसंद नहीं करें। आप लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं जब करती हूं तो मन से करती हूं, लगन से करती हूं और ऐसा रोल करती हूं जहां कोशिश करती हूं जो आप लोगों ने पहले देखा ना हो, जिस रूप में मुझे आप लोगों ने पहले देखा ना हो। हर बार मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आपको मजा आए अच्छा लगे क्योंकि मेरा काम है, मेरा ये काम है और इसमें मेरी खुशी है कि आप लोगों को मजा आए और मुझे मजा आए करते हुए, और अगर मुझे मजा नहीं आएगा तो आपको कैसे मजा आएगा। तो मेरे एक्टिंग को मुझे नौकरी बनाने की आदत नहीं है और मेरे लायक बहुत कम ऐसा काम आता है जो मैंने पहले किया ना हो, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग की मैं बहुत विक्टिम रही हूँ बहुत साल, तो इसीलिए मुझे गैप्स देने पड़ते हैं क्योंकि मैं एक काम कुछ करती हूँ अगर अच्छा करती हूँ तो वही टाइप के रोल आने लगते हैं, तो फिर मुझे फिर बैठ जाना पड़ता है चूल्हा बंद करके ना बैठ जाना पड़ता है थोड़ी देर क्योंकि मुझे नहीं करना बार बार वही। फिर आता है एक अलग टाइप का रोल फिर मैं करती हूँ, फिर आता है एक जोधा फिर मैं करती हूँ, अगला भी जो आएगा ऐसा आएगा कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आप लोग मुझे उस रोल में भी उस रूप में भी देखें क्योंकि इससे बहुत अलग है वो। तो मेरा तो ये अब आप मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी शिकायत का जवाब दे दूँ, शायद आपको मिल गया हो और आप मुझसे सहमत भी हो इस बात पर। ये तो प्यार वाली शिकायत है और ये होती रहनी हाँ चाहिए, ये तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं मुझे ये इस गिला से कोई तकलीफ नहीं है। कह रहा हूँ कितना आसान है दो शब्दों में कह देना कि फिर मैं इसको नौकरी नहीं बनाती हूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट का जो मन है वो अंदर से कितना कचोटता होगा, कितनी सारी चीजें भरी रहती होंगी, एक लंबा गैप आपको अंदर से कितना तोड़ता मरोड़ता होगा, एक अलग तरह का डिप्रेशन देता होगा जो एक आर्टिस्ट की भूख मिटती नहीं है उसकी। बिल्कुल मैं ये सही, भी आपने सही बोला, बिल्कुल बोलिए आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, आप इलेबरेट, आप, मैं ये कह रहा हूं लेकिन सुनना, मैं आपसे चाहता हूं कि अंदर कितना क्या कुछ चलता रहता है। नहीं, बहुत तकलीफ हुई। अब तो फिर भी थोड़ी आदत सी पड़ गई है और थोड़ा अपने आप को संभाला, लेकिन बेइज्जती के बाद मैं एक्चुअली डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो एक दौर था जो सब सब कहने लगे अरे अब तो ये लड़की ऊपर जाएगी, और ये लड़की ऊपर जाने की जगह नीचे आई क्योंकि इतनी स्टीरियोटाइपिंग हो गई पेस्ट्री के बाद। इतने उसी टाइप के रोल और सब उतने अच्छे रोल नहीं थे लेकिन उसी टाइप के रोल, और मैं मना करती गई करती गई करती गई इस उम्मीद में कि आएगा अब आएगा, नहीं एक ऐसा अलग आएगा अलग आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इनफैक्ट
इतना ज्यादा वो हो गया कि मैं काम नहीं कर पाई और मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं बहुत लॉस्ट हो गई और मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैं इतनी नाराज भी हो गई कि मैंने बोला यार मैं वही लड़की हूँ जिसने कोशिश एक आशा किया, मैं वही लड़की हूँ जिसने साथिया किया है, मैं वही लड़की हूँ जिसने वैसा भी होता है किया, मैं वही लड़की हूँ जिसने पेस्ट्री किया है और ये सब अलग लड़कियां थी। आप क्यों मुझे हर बार स्टीरियोटाइप, अब मुझे पर्ल पेस्ट्री की पर्ल ही क्यों आप मुझे देख रहे हो, आप क्यों भूल गए कि मैं वो लड़कियां भी रह चुकी हूँ। तो बहुत अंदर से तकलीफ हुई काम ना करके, साल 2 साल 3 साल भी निकल गए कभी कभी तो, और इट्स बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अड़ी रही, मैं अड़ी रही और मैं डटी रही और मैंने कहा कि नहीं, ये मैंने निश्चय किया है कि मैं बेचूंगी नहीं अपने आप को, मैं हर बार कुछ ऐसा करूंगी जिसमें है कुछ करने के लिए। तो बहुत टाइम तो ऐसा हुआ कि मतलब मेरे दोस्त बड़े परेशान हो गए कि यार यू आर बिकमिंग ब्रोक, यू डोंट हैव मनी, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो। और हुआ नहीं मुझसे, और टीवी भी मुझे वापस बुलाता रहा लेकिन उसपे भी मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं जो मैं करना चाह रही थी। और वो मुझसे होता नहीं है, चीटिंग मुझसे होता होती नहीं है, क्योंकि एक्टिंग मैंने ना बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के एक्टर बनी हूं मैं, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, मुझे चीटिंग नहीं करनी आती एक्टिंग से, तो इसीलिए गैप हो जाते हैं। और अब थोड़े शायद कम होंगे क्योंकि ओटीटी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने कहा इस साल ही आप मुझे 2 बार बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स में देख लेंगे और शायद एक तीसरी बार भी बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर वो भी तैयार हो गया तो। लेकिन एक और है जो रेडी है, जो 1.5-2 महीने में लिखेगा, जिसमें मैं बिल्कुल मतलब कुछ और ही इंसान हूँ और वो आपने देखा नहीं है मुझे कभी करते हुए, तो इसीलिए मैं काम करती हूँ, क्या बात है, इसीलिए मैं काम। क्या बात है। जोधा आप तक कैसे पहुंचा, किसने सुनाई, कैसे आप जोधा बन गई? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से मुझे सीधा फोन आया कि भाई हम एक शो बना रहे हैं ताज करके, उसमें आपको जोधा का रोल देना है। मैंने बोला क्या, बोले हाँ जोधा का रोल देना है और नसीर साहब हैं जो अकबर बने हैं। मैंने बोला ये तो झूठ बोल रहा है यार, यू नो। बट फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि फॉरेन क्रू है, तो मैंने बोला ये कैसे होगा, इतना ऐतिहासिक शो, उनकी भाषा नहीं, उनका 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 इतिहास नहीं। फिर उनसे मीटिंग हुई तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उनको पूरा मतलब रिसर्च किया हुआ था, उनको पूरा इतिहास पता था, उन्होंने बहुत काम किया था, उनको सारे डायलॉग्स पता थे इंग्लिश में, बहुत अच्छे लगे मुझे वो लोग, उन्हें भी मैं अच्छी लगी फॉर्चुनेटली। और बहुत सिंपली हो गया एक्चुअली, मतलब ये होना ही था, जो होना होता है वो हो ही जाता है फट से, कुछ ज्यादा इसमें वो हुई नहीं कश्मकश, मतलब हो गया वो। और फोन आया, मुझे इंटरेस्ट है, फिर मुझे जब स्क्रिप्ट भेजी, मुझे फॉर्चुनेट, मुझे हमेशा यही डर लगता है, मैंने इन लोगों ने फोन किया बहुत इंटरेस्टिंग है अपॉर्चुनिटी, स्क्रिप्ट आएगी और मैं बोलूंगी ये क्या है यार, लेकिन स्क्रिप्ट आई और बड़ी तगड़ी थी और रोला और जो जोधा का रोल था वो बड़ा तगड़ा था और बड़ा अच्छा अप्रोच था कि बस रानी के अलावा एक और ह्यूमन लेवल इतना एक्सप्लोर करने को था, इमोशंस कितने एक्सप्लोर करने को थे, तो मैंने बोला ये तो मजा आएगा करने में, तो फटाफट हो गया ये एक्चुअली। तो हम लोगों ने जोधा को जो याद करते हैं, हम लोग एक तो टीवी का हो गया अलग हुआ, दूसरा वो जो पहली फिल्म मुगले आजम बनी थी वहां की जोधा बाई, फिर ऐश्वर्या को देखते हैं। अब आपको वेब सीरीज में आप पहली जोधा बाई होंगी, तो प्रेशर प्रेशर डाल रहे हो मेरे ऊपर तुम सब। तो ये जो जोधा है ये किस मिजाज की होगी, किस तरह का इश्क होगा इसका, क्योंकि जोधा अकबर का इश्क आशुतोष ने दिखाया, तो अनारकली और सलीम का इश्क आसिफ साहब ने दिखाया, यहाँ क्या है? मैं कैसे आपको बताऊं यहाँ क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जिस टाइप की इंटिमेसी जोधा और अकबर के बीच इसमें एक्सप्लोर की गई है वो पहले एक्सप्लोर नहीं की गई, क्योंकि मैं मानती हूं कि इंटिमेसी जो होती है सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, इंटिमेसी जो है एक दिमागी कंपैटिबिलिटी, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी। जोधा और अकबर का रिलेशनशिप इतना अच्छा रिलेशनशिप है, अकबर एक वो अकेली रानी है जिनकी एडवाइस लेते हैं, जिनको सब कुछ बताते हैं, क्या उनकी परेशानी है, क्या उनका डर है, क्या, तो एक बहुत अलग टाइप की इंटिमेसी है जोधा और अकबर में जो इस शो में एक्सप्लोर की गई है, जिसे करने में मजा आया।
और कुछ ऐसे सीन भी हैं जो आपके और नसीर साहब के बीच रोमांटिक हैं, जो थोड़े बहुत बोल्ड है, उस पर बहुत बातचीत हो रही है। कितना सहज था, कितना आसान था, कितनी कंफर्टेबल थी वो, कितने आपके दोस्त हैं, थोड़ा बताइए। क्योंकि जब ऐसे सीन होते हैं, आप दोनों ही बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, तो ऐसे सीन्स को कैसे करते हैं आप लोग? अब ये सब तो एक्टिंग का हिस्सा होता है ना, ये सब तो करना होता है। नसीर साहब के सामने आपको कोई खड़ा खड़ा कर दे तो आप ये छोटी बातें नहीं सोच सकते, क्योंकि ना वो सोचते हैं ना आप सोच सकते हैं इसे। यू हैव टू राइज टू द ओकेजन एंड यू हैव टू डू। बट जैसे मैंने कहा कि हमारी इंटीमेसी सिर्फ उस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारी इंटीमेसी बहुत अलग तरीके से डील किया गया है।